लच्छीवाला में टोल प्लाजा बनने से दुदली मार्ग पर बड़ी संख्या में ट्रैफिक बढ़ गया। वाहन चालक टोल टैक्स से बचने के लिए दुदली मार्ग से देहरादून जाने का सफर कर रहे हैं और इस रोड पर ट्रैफिक बढ़ने से दुदली मार्ग पर क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से आए दिन बड़े हादसे हो रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग उठा रहे हैं, पर ग्रामीणों की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने दुदली मार्ग पर सांकेतिक जाम लगाया और शासन प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाए ताकि हादसों से आमजनों को बचाया जा सके। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि आईएसबीटी फ्लाईओवर के साथ दुदली मार्ग का भी काम शुरू किया गया था, मगर आज तक भी इस मार्ग का चौड़ीकरण काम पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि उस मार्ग पर दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे। उन्होंने शासन प्रशासन से जल्दी सड़क चौड़ीकरण और दुदली मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद किए जाने की मांग की। आज रोड चौड़ीकरण को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है और आज सांकेतिक धरना है। परसों से यहाँ पे ये रोड बिल्कुल जाम कर दी जाएगी। कारण है कि रोजमर्रा यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, 2013 में जब आईएसबीटी फ्लाईओवर, बल्लीवाला फ्लाईओवर और बल्लूपुर फ्लाईओवर का जिस दिन शिलान्यास हुआ था, उस दिन इस रोड का शिलान्यास हुआ था और आज तक इस कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। कई सरकारें आई गई लेकिन इस रोड की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या गलती है दुदली क्षेत्रवासियों की? आज इतने सारे एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं, कहीं बच्चे हों बड़े हों जान दे चुके हैं अपनी, तो इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए और सरकार को इस पे तुरंत कार्य प्रारंभ करना। धरने पे बैठे हैं यहाँ क्योंकि हमने काफ़ी समय से हमारी मांग रही है रोड चौड़ीकरण की, जो कि हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं हुई है और इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इसके लिए घोषणा की थी कि ये रोड चौड़ीकरण किया जाएगा, लेकिन आज का दिन है और वो अपना 5 साल का कार्यकाल खत्म करके जा चुके हैं, लेकिन आज भी कोई सुनवाई नहीं है इस रोड के लिए, क्योंकि काफ़ी साल पहले इसमें रोड के लिए जो पैसा आया था वो भी पैसा कहीं और इलाके के लिए ट्रांसफ़र किया गया था। इसलिए हमारी आपसे और हमारी सरकार के खिलाफ कोई ऐसी धरना प्रदर्शन नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं सरकार से कि हमारे क्षेत्र की तरफ, क्या हमें एक कुएं के मेंढक की तरह समझ रही है सरकार कि हमारा दूसरी क्षेत्र का कोई निवासी जो है रहने वाले, ये इस देश के नागरिक है नहीं है, जो इनकी तरफ कोई पूछवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, या हमारे हमारे इलाके को भी छोड़ दिया गया है। मांग है कि हमारे क्षेत्र को की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे जो हमारे क्षेत्र में लगातार ये जब से वो बना है यहाँ पर एक टोल टैक्स, उसके बाद से इस क्षेत्र में इतने ही ट्रैफिक बढ़ चुका है जिसमें आज तक कोई भी रोकथाम नहीं की गई। हमारी सरकार से मांग है इसमें आने वाले ट्रैफिक को रोका जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में रोड छोटी होने के कारण काफ़ी एक्सीडेंट केस हो चुके हैं और इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है और नाबालिग बच्चे भी इसमें मृत्यु, जिसकी आकस्मिक मृत्यु हुई है। हम सरकार से यही मांग है कि हमारी रोड को चौड़ीकरण किया जाए।